बांग्लादेश लंबे समय से हिंसक माहौल का सामना कर रहा है। असल में ना वहाँ की जो आवाम है ना, उनको जो है ना तरक्की और खुशहाली वो रास नहीं आई। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तरह हो जाते हैं, उस तरह हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, जैसे वो बद खुशहाली बद खाली का शिकार है ना। कि इंडिया जो है वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरनेशनल सॉलिड किस्म की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करे। कई हजार करोड़ रुपए अदानी कंपनी के अदानी पावर का बांग्लादेश में लगा है, और अगर बांग्लादेश ये रकम जल्द से जल्द नहीं चुकाता तो पड़ोसी देश में नया संकट आ सकता है। देखिए इंडिया एंजिनो वैल्यू देगा, लेकिन इंडिया क्यों वैल्यू दे भाई, इसमें से है ही कुछ नहीं। ठीक है, सो वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, आपको क्या लगता है उसको अंडू करेंगे जो उन्होंने बोला हुआ है पाकिस्तान के बारे में? वो नहीं अंडू करेंगे until and unless there is some big breakthrough, कोई बड़ा breakthrough ऐसे दोनों मुल्कों का हो, तो then इंडिया की हुकूमत जो है, and then उसमें इंडिया अपने incentive देगा। ये रकम 80 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 6,711 करोड़ रुपए है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई और अब नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद उन्हें आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर सुनने पड़ रही है। अब बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश ने 800 मिलियन डॉलर अडानी ग्रुप के यानी कि इंडिया के 800 मिलियन डॉलर देने, जो कि उन्होंने उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके लिए 800 मिलियन डॉलर देना बहुत मुश्किल है। अगर वो पैसे नहीं देते इंडिया को तो क्या आने वाले टाइम में बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा? बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला माड़ी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे। अब चित्तर खाएंगे, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि नहीं। उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया है, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, लो जी बांग्लादेश में लो स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं, शेख हसीना जो उनसी है वो जुल्म कर रही थी, और पाकिस्तान इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका भी। चलेगा बांग्लादेश चलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बीते कुछ हफ्तों में हिंसक विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। वहीं अब बांग्लादेश को अपना नया लीडर मिल गया है। अरबपति गौतम अदानी की कंपनी अदानी पावर का बांग्लादेश पर 800 मिलियन डॉलर से अधिक का बकाया है। बांग्लादेश की ओर से इस बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है तो अदानी पावर देश में बिजली की आपूर्ति को रोक सकता है। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर एहसान एच मंसूर ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया है, अगर हम इसका भुगतान नहीं करते हैं तो वो बिजली देना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि अदानी पावर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बांग्लादेश के आंतरिक सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अदानी समूह के प्रतिनिधि ने बांग्लादेश के बकाया पर टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश की हालत देखकर लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर निकल रहा है। बता दें कि अदानी समूह लगातार भारत के पड़ोसी देशों में विस्तार कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान में भी हम अक्सर ये देखते हैं, फ्लड आता है तो हम इल्जाम इंडिया पे लगा देते हैं कि भाई पानी उन्होंने छोड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पे सैलाब आ गया है। हम यहाँ पे डैम क्यों नहीं बना रहे? बांग्लादेश अपने वहाँ पे डैम क्यों नहीं बना रहा जिसकी वजह से अपने लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके? बांग्लादेश तरक्की की तरफ जा रहा था कि नहीं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था कि नहीं? जा रहा था शेख हसीना के टाइम की अगर बात, जा रहा था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट खत्म हो गई है शेख हसीना की, और अब क्या आपको लगता है मुश्किल आएगी बांग्लादेश के लिए या आसानी आएगी? ये असल में ना वहाँ की जो आवाम है ना, उनको जो है ना तरक्की खुशहाली वो रास नहीं आई। अच्छा, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम भी जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, पाकिस्तान की तरह हो जाते हैं, उस तरह हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, जैसे वो बद खुशहाली बद खाली का शिकार है ना, हम भी टेस्ट करेंगे क्या टेस्ट आता है इसमें। ठीक है, वरना हम तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे कि जी बांग्लादेश आगे चला गया, बांग्लादेश की करेंसी, पाकिस्तान के जो जितने वो सनदकार हैं, मिलों वाले हैं, वो सारे बांग्लादेश चले गए। ठीक है, टेक्सटाइल हाउस सब कुछ उधर चला गया। ठीक है, तो अब हमने उन्होंने सोचा की सारे इधर क्यूँ आ गए, उधर जो टेस्ट है ना वो उधर हम भी जरा टेस्ट करें। ठीक है, अच्छा अभी खबर ये है कि अब इंडिया से, क्योंकि आपको शायद पता होगा वो बिजली वगैरह लेते थे और भी बहुत सी हेल्प लेते थे, या बहुत सारे उनका आपस में रिलेशन चल रहे थे बेहतर, अब इंडिया का 800 मिलियन डॉलर अडानी ग्रुप का बांग्लादेश ने देना है बिजली के मद में, क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पाएंगे तो बिजली ऐसे आगे मजीद इंडिया उन्हें प्रोवाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, आवाम के पास बहुत, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला
माड़ी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे, अब चित्तर खाएंगे वो, उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया कि नहीं। उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, लो जी बांग्लादेश में लोग स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं, शेख हसीना जो उनसे वो जुल्म कर रही थी और इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका भी। शेख हसीना वैसे कैसी आपके ख्याल से लीडर थी? मेरे ख्याल से जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है वो अच्छा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, अब इमरान खान आया, 3 साल गवर्नमेंट की है, वो उसके बाद उसका रिजल्ट देख लें कि पूरी दुनिया उसके साथ है कि इमरान खान जो है ना मुल्क की तरक्की के लिए आया है। ठीक है, तो वो तरक्की वाला बंदा जो अंदर है और जिनको हमने चोर चोर के नारे लगाए वो लीडर है हमारे। ठीक हो गया, तो अब देख रहे हैं हम कौन सा कानून चल रहा है। ये बिजली की कीमतें कम होंगी पाकिस्तान में और कैसे होंगी, डैम बनने से होंगी या हमारे गवर्नमेंट अच्छी होगी तो होंगी? ये असल में हमारी गवर्नमेंट में जो वजीर है ना, ठीक है, वो ग्रेजुएट है, वो तलीम याफ्ता है, बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यानी इतने पढ़े लिखे हैं उनको खुद भूल गया हमने क्या पढ़ा है। अच्छा, वो दे नहीं पा रहे, क्या समझते हैं बिजली कट जाएगी या फिर आगे चलेगा इंडिया के साथ? तो मतलब चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, इतने अर्से से चल रहा है तो आगे भी चलेगा। ठीक है, वो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव तो होते ही हैं हर टाइम पे, तो वो डेफिनेटली वो उनको मिलेगा। भी वैसे सुन रहे हैं कि 30 या 31 अगस्त को स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और बड़ा जो मतलब इंकलाब आ जाएगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? प्रोटेस्ट तो देखें जब से पाकिस्तान बना है तभी से हो रहा है और ऐसे ही सुनते आ रहे हैं हम, क्या किसी ना कोई भी थोड़ी सी भी कोई वजह होती है ना तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, तो वो तो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, नहीं वैसे हम प्रोटेस्ट करते हैं तो 9 मई जैसा वो कोई वाकया हो जाता है जो कि मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ा बदनामी का बायस बनता है ना? हाँ, इस तरह के वाकया नहीं होने चाहिए, प्रोटेस्ट अगर एक सेफ एंड में हो, कोई ऐसी जैसे कि प्रेस क्लब है वहाँ पे जाके अपना जो भी आपके हमारे क्लास हैं, जो भी हमारी डिमांड हैं, स्टूडेंट्स वगैरह है जो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे रिकॉर्ड करवा दें, तो आम शहरी को भी उससे ये कि जिंदगी का पहिया भी चलता रहे, आम लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सड़कों पे जब जाम हो जाती है, मॉल रोड जो है वो एक मेन शारक है, ठीक है, सभी मोस्टली जो है वो मॉल रोड से गुजर के जाते हैं, सेक्रेटरीएट जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर हाल रोड एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बिजनेस होता है, जब वो रुक जाती है पंजाब असेंबली के बाद तो वो सारा ही कारोबार जो है डाउन होती है। अच्छा, मुझे बताएं बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन में इंडिया का क्या रोल है? आपको नहीं लगता कि भाई इंडिया बहुत तेज से ग्रो और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हम जो उनसे हैं, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट हो, कभी प्रोटेस्ट और कभी ये मामला हो रहे हैं? एब्सोल्युटली ऐसे ही हो रहा है, इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है हमारी निस्बत, उसमें ये हुआ कि उन्होंने एक स्टेबिलिटी उनकी गवर्नमेंट के अंदर आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जब उनका गए तो उसके बाद मनमोहन सिंह आए, हालांकि उस दौर में अगर आप देखें ना 2000 से पहले 90s का जो दौर था तो वहां पे पाकिस्तान बहुत आगे था, एशिया टाइगर बनने जा रहा था और पाकिस्तान की वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा लोग उसको लाइक कर रहे थे और ऐसे मोस्टली लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो लीडर बन रहा है, एशिया का लीडर बन रहा है, मुस्लिम का लीडर बन रहा है, बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा था। ठीक है, तो उस दौरान इंडिया बहुत पीछे था, इंडिया के लोग हसरत से कहते थे कि पाकिस्तान की अवाम बहुत अमीर है, पाकिस्तान के 90s में कि इंडिया जो है वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरनेशनल सॉलिड किस्म की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करे, और उसके उनके पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, एक तो उनकी अपनी जो है वो कॉमन थ्रेट है, जो सबसे बड़ा ग्राउंड है चाइना के हवाले से, आल दो के एक ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट जो है वो दूसरे महाज पे चाइना के साथ रिलेशनशिप में भी इंडिया कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक टेंशन तो मौजूद है और मुस्तकबिल करीब में इंडिया देख रहा है कि कैसे मकाम पे आके तो उसका जो कहते हैं ना फेस टू फेस एक तरह का मुकाबला जो है वो बिलाखिर चाइना के साथ मुख्तलिफ रीजनल स्पेसिफिकली और इंटरनेशनल फ्रंट्स पे जो है वो होगा, तो उसको भी सामने रखते हुए वो अपना जो है ना एक जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं